स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे पेज 123, ठीक है। तो पेज 123 में आप लोग देखना, वहाँ पे लिखा है द सी, ठीक है, समुंदर के बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो इस पेज में हम लोग समुंदर के बारे में देखेंगे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि बाला इज स्टैंडिंग ऑन द सी कोस्ट, ठीक है। सी कोस्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे समुंदर आके ख़त्म हो जाता है, ठीक है, सी कोस्ट। तो बाला एक लड़का है जो सी कोस्ट मतलब जहाँ पे समुंदर आके ख़त्म हो रहा है वहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। एंड लुकिंग एट द वर्स्ट सी, बहुत बड़ा समुंदर है उसको देख रहा है, ठीक है, समुंदर की तरफ वो देख रहा है। लुकिंग एट द वर्स्ट सी, द सी लुक्स एंडलेस, और देख रहा है कि समुंदर का जहाँ पे ख़त्म है वो ख़त्म ही नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ पे वो जाके ख़त्म हो रहा है, ठीक है, वो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो उसका कोई एंड लाइन ही नहीं है, ठीक है, कहाँ पे वो जाके ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए बोल रहा है कि द सी लुक्स एंडलेस, ठीक है, उसका ख़त्म होने का नाम ही नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ पे जाके वो ख़त्म हो रहा है। हैव यू सीन द सी, क्या कभी आप समुंदर देखे हो। इन द पिक्चर वेयर इज़ द सी, हमें इस पिक्चर में देखना है कि समुंदर कहाँ पे। तो समुंदर कहाँ पे है, समुंदर जहाँ पे बाला खड़ा हुआ है, आपके किताब में देखना पेज 123 में, जहाँ पे बाला खड़ा हुआ है ठीक उसके सामने आपके बहुत बड़ा समुंदर है, ठीक है, थोड़ा स्काई कलर का है, ठीक है, हल्का नीला रंग का है, ठीक है। सो इन द पिक्चर वेयर इज़ द सी, सी आपके बाला के सामने खड़ा हुआ है, बाला के सामने एक वास्ट समुंदर है, बड़ा समुंदर है। नाउ लुक फॉर द सी इन द मैप ऑफ इंडिया, अब हम लोग क्या करेंगे, जो मैप हमने देखे थे, तो ये हमारा मैप है, तो ये जो एरियाज है, ठीक है, ये आपका जो एरिया है, ठीक है, ये सब एरिया आपका क्या है, समुंदर है, ठीक है। यहाँ पे है अरबियन सी, इस साइड में आपका अरबियन सी है, ठीक है, नीचे भी आपका है इंडियन ओशन, यहाँ पे आपका इंडियन ओशन है, और यहाँ पे है आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इधर में आपका बे ऑफ बंगाल है। अब क्या बोल रहा, देखो, नाउ लुक फॉर द सी इन द मैप ऑफ इंडिया, व्हाट कलर इज़ यूज्ड टू शो द सी। तो डेफिनेटली हम लोग देखना किताब में जो हम लोग सी देखते हैं, जो ये जो पोर्शन में हम लोग सी देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्काई कलर, ठीक है, या लाइट ब्लू कलर दिया जाता है। इस जो आपका समुंदर का जो कलर होता है वो लाइट ब्लू, या आप लोग स्काई मतलब आकाश का जो कलर होता है उस तरह का कलर या रंग आपका समुंदर का होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मार्क दिस स्टेट्स विच आर द सी ऑन वन साइड। तो मार्क दिस स्टेट्स विच हैव द सी ऑन वन साइड, कौन कौन सा राज्य है, ठीक है, कौन कौन सा राज्य है जिसका एक साइड में आपका क्या है, समुंदर है। तो नंबर वन तो आपका वेस्ट बंगाल आएगा, ठीक है, नंबर वन में क्या आएगा आपका वेस्ट बंगाल, फिर आपका क्या आएगा उड़ीसा, फिर आपका क्या आएगा आंध्र प्रदेश, एपी मींस आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु, देन तमिलनाडु, देन आपका केरला, ठीक है, केरला आ रहा है, फिर आपका क्या आ रहा है कर्नाटक, ठीक है, महाराष्ट्र है, गोवा है, ठीक है, गोवा महाराष्ट्र, यहाँ पे लिखते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है, और क्या है आपका गोवा महाराष्ट्र गुजरात, ठीक है, तो ये सब स्टेट आपके आएगा, वेस्ट बंगाल उड़ीसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कर्नाटक केरला कर्नाटका गोवा महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है। तो इन सब राज्यों का एक साइड में आपका क्या आता है, सी आता है, ठीक है। नेम वन स्टेट, एक कम से कम एक राज्य का नाम लिखिए, नेम वन स्टेट विच डज नॉट हैव द सी ऑन एनी साइड, एक राज्य का नाम लिखिए जिसका किसी भी एक साइड में आपका समुंदर नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं बिहार, ठीक है, आप लोग बिहार लिख सकते हो, झारखंड लिख सकते हो, ठीक है, जिसका कोई भी साइड में
समुंदर नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, देखो, लुक फॉर डिफरेंट मैप्स। हम लोग बहुत तरह का मैप देखते हैं। कंपेयर द डिफरेंट स्केल्स यूज्ड इन ए लोकल एरिया मैप, ए मैप ऑफ इंडिया एंड ए मैप ऑफ वर्ल्ड मैप। तो हम लोग बहुत तरह का मैप देखते हैं, ठीक है। कंपेयर भी कर सकते हैं उस मैप को। कुछ मैप आपका लोकल एरिया मैप होता है, ठीक है, कुछ मैप आपका देश के लिए होता है मैप, और कुछ मैप आपका पूरे पृथ्वी के लिए होता है, वर्ल्ड के लिए होता है, वर्ल्ड मैप, ठीक है। तो एक एक मैप में एक एक तरह का स्केल यूज होता है। किसी में आपका 1 सेंटीमीटर आपका किलोमीटर हो सकता है, किसी में 1 सेंटीमीटर आपका मीटर हो सकता है, ठीक है, माइल्स हो सकता है, ऐसे। नाउ लाइंस बिटवीन द स्टेट्स। आप बोल रहे हैं क्या लाइन, लाइन जो हम लोग देखते हैं बिटवीन द स्टेट्स में, वो हमें मैप में ही दिखाई देता है, ठीक है। बट एक्चुअली रियलिटी में हम लोग जब गाड़ी से चलते हैं या बस से चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं, एक राज्य से और एक राज्य में जाते हैं, तो हमें कोई लाइन दिखाई नहीं देता है। इसलिए बोला लाइन बिटवीन द स्टेट्स। तो शाबू इज़ कन्फ्यूज्ड अबाउट द लाइन्स शोन बिटवीन द स्टेट्स। तो शाबू थोड़ा कन्फ्यूज्ड हो गया है, ठीक है, क्योंकि उसने मैप में दिखा है। मैप में क्या दिखा है कि मैप में दिखा है कि यहाँ पे बाउंड्रीज है, ठीक है। पंजाब से हरियाणा में जा रहा है तो यहाँ पे एक बाउंड्री दिया है, लाइन्स है। हरियाणा से जम्मू में जा रहा है, जम्मू कश्मीर में जा रहा है, तो यहाँ पे भी आपका बाउंड्रीज है। तो यहाँ पे बाउंड्रीज है, दैट मीन्स लाइन्स है। पर जब हम लोग बस से या ट्रेन से जाते हैं तब हमें कोई लाइन दिखाई नहीं देता, इसलिए वो थोड़ा कन्फ्यूज है कि शाबू इज़ कन्फ्यूज अबाउट द लाइन्स शोन बिटवीन द स्टेट्स। तो वो थोड़ा कन्फ्यूज है कि दोनों राज्य के बीच में जो लाइन्स हैं उसके ऊपर वो थोड़ा कन्फ्यूज है। इसलिए कन्फ्यूज है, आई ट्रैवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा बट आई नेवर सॉ एनी लाइन ऑन द ग्राउंड, हाउ डू यू सी देम ऑन द मैप। तो शाबू ट्रैवल्ड कर रहे थे, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे, दिल्ली से हरियाणा जा रहे थे। तो जब वो दिल्ली से हरियाणा जा रहे थे तो उसको कोई भी लाइन दिखाई नहीं दिया, ठीक है, कोई बॉर्डर दिखाई नहीं दिया ऑन द ग्राउंड, बट वो मैप में देख चुका है, ठीक है, वो मैप में देख चुका है कि जब वो दिल्ली से हरियाणा जाते हैं तो छोटा सा यहाँ पे एक सर्कल है दिल्ली का और उसके बाद हरियाणा स्टार्ट हो जाता है। तो वो इसलिए वो बोल रहा है कि जब वो दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं तब उसे ग्राउंड में कोई लाइंस उसे दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि वो मैप में देख चुका है, ठीक है, कि मैप में आपका लाइंस होता है, एक राज्य से और एक राज्य में जाएंगे तो हमें लाइन दिखाई देता है। अब देखो क्या बोला, नो देयर आर नो लाइंस पेंटेड ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में कोई भी लाइंस पेंट नहीं किया जाता है। द मैप शोज अस वेयर वन स्टेट एंड्स एंड द नेक्स्ट स्टेट बिगिंस। तो मैप हमें क्या देता है, देखो मैप सिर्फ हमें ये देता है, ये जो आपके लाइंस, ये जो बाउंड्री जो हमने यहाँ पे बनाया है, ये क्या देता है कि एक राज्य कहाँ पे जाके ख़त्म हो गया है और वहाँ से एक नया राज्य स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाउंड्रीज है, ये बाउंड्रीज क्या बोल रहा है कि एक राज्य का कहाँ तक ख़त्म हुआ है, ठीक है, और कहाँ से एक नया राज्य का, एक नया स्टेट का शुरुआत हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि नो लाइंस पेंटेड इन द ग्राउंड, ग्राउंड में कोई लाइंस पेंट किया नहीं जाता है, सिर्फ मैप में ही दिखाया जाता है कि एक राज्य, दैट मीन्स एक स्टेट्स कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, एक नया स्टेट कहाँ से शुरू हो रहा है। ओ यस वी पेड द टोल टैक्स एट द बॉर्डर। तो हम लोग जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो दूसरे राज्य में प्रवेश करने से पहले एक टोल टैक्स आ सकता है, ठीक है, टोल टैक्स देना पड़ता है, इसलिए बोल रहे हैं ओ यस वी पेड द टोल टैक्स एट द बॉर्डर, ठीक है। सपोज कोई बिहार से आपका यूपी में जाएगा, तो जब बिहार से यूपी में जा रहा है तो बिहार और यूपी का जो बॉर्डर है वहाँ पर उसको टोल टैक्स देना पड़ सकता है। आई सॉ ए बिग बॉर्डर सेइंग वेलकम टू हरियाणा। तो साबू ने भी एक बिग बोर्ड, एक बड़ा सा बोर्ड था, ठीक है, उस बोर्ड में लिखा था वेलकम टू हरियाणा, दैट मीन्स जहाँ से वो बोर्ड था उसका नेक्स्ट से ही हरियाणा स्टेट्स शुरू हो जाता है, ठीक है, इसलिए साबू ने वो देखा था। आई सॉ ए बिग बोर्ड सेइंग, वहाँ पे लिखा था कि वेलकम टू हरियाणा, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका पेज 123, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम लोग डिस्कस करेंगे पेज 124। थैंक यू।